अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूँ। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह एक रोड का इंस्पेक्शन करने गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सड़कें बहुत शानदार हुआ करती थी। मेरे पास जेल से छूटने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कें खराब हो गई हैं। मैं आज रोड इंस्पेक्शन करने गया था और बहुत बुरा हाल था सड़कों का। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको तुरंत ठीक करवाया जाए, उन्होंने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सड़क को जल्द ठीक करवाया जाएगा। हैं जी, आप तो मालिक हैं साहब, देख आप तो देश, आप तो देश के मालिक हैं। मैं 3-4 दिन पहले एक भाजपा के बड़े नेता से मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको, कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डीरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है? ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है, ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए? उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके, 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं तो 23 और 4, 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही, अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है,
जनता देखती है, जनता चुप रहती है, वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाहिर। एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लेना। तो काम रोकने से काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी, काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो, आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते हैं जे केजरीवाल जेल में बैठे हैं, हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता? आज मैं वोट मांगूंगा केजरीवाल आ गया, आप तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। 5,000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते, हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटेलिटी नेगेटिव है, इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल लटा दिए मेरे पीछे से, बताओ कोई अच्छी काम करा? वो बस मार्शल आते हैं बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं, बस मार्शल की नौकरी कौन करता है? कोई अमीर आदमी? आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी, वो तो बेचारे गांव के, हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, उनके दिल से उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरडी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे, उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। यार आप खुद भी होके आओ थोड़ा तीर्थ यात्रा, थोड़ी मन को शांति। मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें, उनको थोड़ी। अभी जैसे सौरभ बता रहा था पेड़ काट दिए हमारे पीछे से, मैं जब जेल गया इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए, बताओ दिल्ली के प्रदूषण। तो दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे, ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया, फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए।